सोच रहा हूँ कि सिविलियन बनकर जीऊं। सिविलियन? वो क्यों? मेरा ये आर्मी ऑफिसर बनना तुम्हारे पापा को पसंद नहीं है। वो आर्मी ऑफिसर को पसंद करते हैं, तुम्हें नहीं। In any case, I'm not going to marry a civilian. अगर मैं कोई डॉक्टर या इंजीनियर या बनिया की दुकान पर काम करने वाला होता तो वो हमारी शादी करेंगे? तुम चाहे धोबी हो या ऑटो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर या बार ओनर, तुम चाहे जो भी करोगे मैं तुम्हें ही पसंद करूंगी। I'll still love you. तुम्हारे पापा कह रहे थे तुम कहीं बाहर जा रही हो हॉलिडे, बताओ। I got through Deakin University. Deakin? Australia? And you're going? रुद्रा, सच कहूँ तो मुझे नहीं लगा था मुझे एडमिशन मिलेगा, लेकिन अब क्योंकि मिल गया है तो पापा कह रहे हैं I must go. तुम क्या सोचती हो? I'm thinking it's a good idea too. देखो, कुछ दिन हम दोनों अलग रहेंगे तो अच्छा होगा। मैं पढ़ाई खत्म कर लूंगी, तुम ट्रेनिंग खत्म कर लेना, देन वील डू वॉट वी हैव टू डू। आजकल कितने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स होते हैं, क्या फर्क पड़ता है? यू नो दीस डेज विद फेस टाइम एंड स्काइप एंड ऑल, इट विल बी लाइक वी आर राइट नेक्स्ट टू ईच अदर। रुद्रा, मुझे तुम्हारा ही फेस देखना है। तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया जाते ही किसी अंग्रेज से तुम्हें प्यार हो गया तो तब मेरा क्या होगा? अंग्रेज से प्यार? चुप रहो। मुझ जैसी इतनी क्यूट और खूबसूरत लड़की को पटाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्हें नहीं रोक सकती। मैंने उसी दिन कहा था तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मुझे पटाना मुश्किल है, क्योंकि मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। मैं तुम्हारी अमानत हूँ, सिर्फ तुम्हारी, मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी अमानत हूँ, सिर्फ तुम्हारी, मुझ पर भरोसा करो। यही सुना था उसकी जुबान से मैंने, उसके बाद मैं उसे कभी नहीं मिला। मिला ही नहीं? What do you mean? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसने माना ही नहीं। अगले हफ्ते वो ऑस्ट्रेलिया चली गई, उसे देखे बिना मुझसे रहा नहीं गया। फिर थोड़े पैसे इकट्ठा करके मैं उसे मिलने ऑस्ट्रेलिया चला गया था। ऑस्ट्रेलिया में जाकर उसे क्या मिला? पर मिली कि नहीं मिली? मिली थी, लेकिन जानते हो उसने क्या किया? अपने घर में जाकर दरवाजा बंद किया। ना उसने दरवाजा खोला और ना ही मुझसे बात की। अरे लड़की तो पत्थर दिल निकली। मैं जानता हूं कि वो मेरी मामा नहीं है, अब वो पूरी तरह से बदल चुकी है। इसलिए 4 सालों से मैं अपने दिल को समझा रहा हूं, अब मेरे लिए बामा कुछ नहीं है। लेकिन कल ये लेटर आया था, उसके छोटे भाई ने मुझे जलाने के लिए इसे भेजा है। ये तो शादी का इनविटेशन है। पुलिस वाले से शादी कर रही है, ये क्या बकवास कर रहा है यार? उसकी शादी से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो पुलिस वाले से शादी कर रही है, ये मुझे तकलीफ है। मैं कुछ समझा नहीं सर। वो क्यों एक पुलिस वाले से शादी करने के लिए राजी हो गई? आई डोंट नो सर। तुम्हें बिना कुछ बोले तुम्हें छोड़कर जाने की वजह क्या थी? आई डोंट नो। तुम्हें छोड़कर जाने की वजह जाना नहीं चाहोगे तुम? मैं उसे कब का भुला चुका हूं, दोबारा उस बात को क्यों दोहराना? शायद प्यार ऐसा ही होता है। और फिर हम फिर से मिल जाएंगे। Would you still love me? Let's go. कहाँ सर? If we leave now in 4 to 5 hours we'll be there. लंच के पहले वहाँ आ जाना। हम कहाँ जाने वाले हैं? भले ही तुम नहीं जाना चाहते,
लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं कि बात क्या है। लेफ्टिनेंट, हमारी यूनिट में सब लोग ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, कभी हार नहीं मानते। नाउ लेट्स गो गेट सम आंसर्स। Target spotted. She's here now. Rudra, चाहो मुझे जानकर ही आना। Good luck. Would you guys excuse us for a few minutes? Should we leave? Yeah. मुझे तुमसे बात करनी है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। मैं यहां तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आया हूं। 2 मिनट्स? बहुत खूबसूरत लग रही हो, इससे पहले तुम्हें ऐसा कभी नहीं देखा। रुद्रा, तुम यहां से चले जाओ प्लीज। ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है? प्लीज गो। जवाब दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। मामा, आती हूं। आई हैव टू गो। क्या अभी मुझसे प्यार करती हो? कल तुम दूसरे की बीवी बन जाओगी, उसके बाद मैं ये नहीं कह सकता।